जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। तो दोस्तों, आज आपका पेपर हो चुका है, आपने आंसर की भी मिला ली होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा पोर्शन हार्ड था, कौन सा इजी था, और आपके अपने दोस्तों से भी जान लिया होगा कि किसने कितने आंसर अटेम्प्ट किए। उसी के बेस पे हमने एक एनालाइज किया है आप ही दोस्तों का, मतलब कितने आंसर आपने अटेम्प्ट किए, क्या लेवल है। तो हमारे एक्सपर्ट टीम का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने एक निर्धारित किया है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्टर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी और ये 10/2018 में नोटिफिकेशन आया था और इसका वैकेंसी 1200 था। जैसा कि सबको पता है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप था आपका, 300 क्वेश्चन आए होंगे, 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी या जीके के आए होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायो आया होगा 200 नंबर का। तो टोटल आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा। तो आपका सारा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, कब तक क्या कट ऑफ आपका रह सकता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है कट ऑफ। उससे पहले दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट राजस्थान और भारत में कहीं पर भी आता है तो हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों मैं आज की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपका जो 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उसका क्या कट ऑफ रहा था दोस्तों बताना चाहूँगा। जनरल का आपका रहा था 98.44, फीमेल का रहा था 77.26, विडो का नहीं था, और एससी का जनरल का 93.26 और फीमेल का नहीं कोई पोस्ट का, मतलब कोई 40% ला नहीं पाए तो इस हिसाब से वो खाली रह गई। एसटी का आपका जनरल का 72.6 और फीमेल का 60.55। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखे जाए तो डीई जनरल एससी का रहा था 77.30, डी एसटी का रहा था 68.54, एनडी सीपी का रहा था 82.76, एक्स रिस्पेंट का नहीं था कोई पास नहीं हुआ, तो स्पोर्ट्स पर्सन का 69.99 रहा था। तो ऐसा देख सकते हो, ये थी आपके अनुसूचित क्षेत्र की, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की भी बता देता हूँ आपको। तो इसका जनरल का रहा था 122.65, फीमेल का रहा था 110.96, विडो की नहीं पास हो पाई, डिवोर्स का 110.96, जनरल का 95.48, फीमेल एससी का बता रहा हूँ, एससी जनरल का 95.48, फीमेल का 77.76, विडो नहीं थी, एसटी का जनरल था आपका 86.48 और फीमेल का 75.28, विडो नहीं था, ओबीसी का जनरल आपका 115.69 और फीमेल का 105.14, विडो नहीं था, और शहरिया था जनरल में आपका 22.28 और फीमेल का नहीं। तो ये रहा था आपका 2016 का कटो, आपने 16 के में दे लिया। अब इसी हिसाब से आपका पेपर का क्या लेवल था, कितने बेटों ने एग्ज़ाम बैठे थे, तो उसी के हिसाब से हमने एक कट ऑफ तैयार किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, मेल हो, तो 121 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपका कंफर्म सिलेक्शन होना है। अगर फीमेल हो आप, तो अगर 111 नंबर तक आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 113 या 114 तक नंबर आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। अगर फीमेल है तो 105 नंबर तक आ रहा है तो कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था इसी वजह से। एससी का अगर 94 नंबर के लगभग आ रहा है तो आपका सिलेक्शन ठीक हो जाएगा आराम से। फीमेल अगर हो तो आपका 77 से 78 पर नंबर आ रहा है तो आपका गारंटेड सिलेक्शन है। एसटी का देख लो आप, 85 से 86 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर 75 से या 76 से ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं तो एसटी से फीमेल का सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये था कट ऑफ, आप ही के सुझाव से बनाया हुआ कट ऑफ है। आप बता सकते हो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं हम और एनालाइज कर लेंगे। अभी जहाँ तक हमने एनालाइज किया है तो यही कट ऑफ निकल करके सामने आ रहा है। आप ही लोगों का अगर कमेंट करके बताते हो कितने नंबर सबके आ रहे हैं तो उसी हिसाब से और भी निचोड़ निकल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कोई भी रोज़गार आता है बेरोजगारों से संबंधित तो हम उसको सबसे पहले लेकर के आते हैं यूट्यूब पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।